पहले आई थिंक रेड कार्पेट करना 2 साल के बाद वो भी बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक टू सी एवरीबॉडी आउट ऑफ हियर, होपफुली ऑल वैक्सीनेटेड एंड या इट फील्स गुड. किस गाने पे परफॉर्म करने वाली हैं एंड उसके बारे में अगर परफॉर्म. आई थिंक इट्स अ नाइस मेडली ऑफ सॉन्ग्स जो मैं आज परफॉर्म करने वाली हूँ एंड सारे जो पॉपुलर सॉन्ग्स है एंड आई थिंक द कोरियोग्राफी इज वेरी नाइस. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. एंड मलाइका, क्या आप भी एडवाइस देना चाहेंगी कंटेस्टेंट को जो आज जो है उनको, क्या बोलना चाहेंगी मॉडल्स को? आई थिंक मैं हमेशा कहती हूँ बस बी योर सेल्फ, एंजॉय योर सेल्फ. यू नो नर्वस तो सब रहते हैं बट जस्ट ट्राई एंड बी योरसेल्फ, दैट्स इट. मलाइका जी, क्योंकि आप तो परफॉर्म कर रहे हैं आज की शाम, आपके अनुसार क्या कुछ क्वालिटी होनी चाहिए मिस दीवा फाइनलिस्ट में? वेल ऑब्वियसली हूएवर विंस गोज ऑन टू रिप्रेजेंट इंटरनेशनली, सो ऑब्वियसली एक क्राइटेरिया होता है एंड आई थिंक गिवन जो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है ओवर द ईयर्स, आई थिंक आवर गर्ल्स आर एक्सलेंट एंड वंडरफुल. सो yes, you have to be, you have to look a certain way, you have to have, it's basically a combination of beauty and brains, jaise kehte hain. Beautiful gown hai thoda sa, agar aap hame uske bare mein bata sakte hain. Well, this gown is by, okay, this gown is by Dalsara, a wonderful designer, and jaise maine kaha bahut acha lag raha hai after so long to be dressed in a red carpet outfit. बहुत ही एनर्जेटिक है, आई नीड ऑल माई एनर्जी इनसाइड राइट नाउ. यू कैन विश मी ऑल द बेस्ट दो.